कुदरत के शाहकार हुस्न में गिरफ्तार हूं। कहाँ है मोहसिन शाहकार, जरा हमें भी तो दिखाओ। तुम जरा भी रोमांटिक नहीं हो, तुम्हें चांद नजर नहीं आ रहा। रोमांटिक दूर की चीजों पर नहीं, करीब की चीजों पे हुआ जाता। और जहां तक बात है चांद की, तो यहां तो दो दो चांद है। अब बंदा किसे देखे और किसे ना देखे। तुम ये घिसी पिटी फिल्म के डायलॉग्स मुझे मत सुनाओ। ये डायलॉग्स नहीं, मेरे दिल की आवाज। तुम क्या जानो, वैसे चचा गालिब ने भी क्या खूब कहा। ओह नो प्लीज, अब मुझे कोई मुश्किल से शेर मत सुनाने बैठ जाना तुम। अच्छा ठीक है, फिर मैं गाना सुना देता हूं। ये किस बात पे अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है? कुछ नहीं, दानिश की एक बात याद आ गई थी। इसे दानिश वापस कब आ रहा है? लो, यही बात तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। जब से वो गया है उसने एक भी फोन नहीं किया मुझे। मुझे क्या पता, उसने तो मुझे जाने से पहले भी नहीं बताया था वो जा रहा है। लगता है सचमुच किसी लड़की के चक्कर में फंस गया वो, वरना वो इस तरह हम दोनों को कैसे भूल सकते हैं। सनम चलो उठो। क्या हुआ है? तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना होगा। डॉक्टर के पास? बिल्कुल ठीक हो। ये तुम ठीक हो? चार दिन से तुम कॉलेज नहीं गई, तुम कुछ खाती पीती नहीं हो, अपने कमरे में बंद रहती हो और कह रही हो कि ठीक हो। मगर मामा, अगर मगर कुछ नहीं सनम, या तो तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना होगा या फिर अपनी हालत दुरुस्त करनी होगी। ओके ओके मामा, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। कैसे टेंशन ना लूं बेटा, मेरी अच्छी खासी हस्ती खेलती बच्ची चुप साथ के कमरे में बंद हो गई है और तुम कह रही हो कि मैं टेंशन ना लूं। मैम टोटली फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ, प्लीज रिलैक्स हो जाए। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो अपनी हालत दुरुस्त करो, समझी तुम? मामा प्लीज। बस
दानिश। सनम तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम अपनी लव स्टोरी में ट्विस्ट लाना चाहती थी ना, तो एक ट्विस्ट के लिए तैयार हो जाओ। अगर दानिश सुनो, कल एक खास दिन है, याद तो है ना? I'm so sorry, मुझे याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, एक्चुअली तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कल किसी से मिलवाना चाहता हूँ। रात 8 बजे कैफे मून पहुंचाना। लेकिन दानिश कौन है वो? ये तुम्हें कल पता चलेगा, लेट मत होना। गुड नाइट। दानिश, दानिश मेरी बात सुन। काश मैं ऐसा कभी ना करती। मैंने दानिश को हमेशा हमेशा के लिए खो। कार क्यों खाती है? वो मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अरे भाई, आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? क्या मूड नहीं है ऑफिस जाने का आज आपका? आज एक खास मेहमान का इंतजार कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसका इस्तकबाल मैं खुद करूँ। आज से पहले तो मैंने आपको किसी मेहमान के लिए इतना बेचैन नहीं देखा। कौन है वो? चल जाएगा, पता चल जाएगा। इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? बल्कि एक काम करो, तुम जाओ और जाके कोई स्पेशल सा अरेंजमेंट करो। तो मेहमान मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी। समझ गई, जरूर आपके भाई और भाभी आ रहे होंगे, सिर्फ वो ही आपके लिए स्पेशल है। अरे तुम इतना बददिल क्यों हो रही हो? अभी कुछ देर में पता चल जाएगा ना। मुझे कोई जरूरत नहीं है बददिल होने की, और मैं किसी के नाज रख रहे नहीं उठाऊंगी। और आप भी ऑफिस जाएं, इस उम्र में चोचलेबाजी अच्छी नहीं लगती। सच पूछो तो ऑफिस जाने का दिल ही नहीं चाहता। अरे ये सोच के चला जाता हूँ कि सारा दिन तुम्हारी जली कुटी सुननी पड़ेगी। आपको क्या परवाह मेरी? आपको पता भी है कि मैं ऐसी क्यों हो गई? आपने तो मेरा बेटा भी छीन लिया मुझसे। अब इतना संगीन इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। आप दोनों बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे। अरे मसरूफ होगा अपने कामों में। जानती हूँ मैं कितना मसरूफ है वो। अरे अरे बात सुनो फराना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसा रहा? अच्छा रहा। मेरा बेटा आ गया। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी रूठी हुई मामा को मनाने आ गया। मैं ऐसे नहीं मानूंगी जब तक मुझे बहू नहीं ला कर देगा। हाँ बस इतनी सी बात तो समझे कि आपका काम हो गया सर।
मुझे पहले ही पता था कि तो बिजनेस टूर नहीं है, ये यकीनन किसी लड़की का चक्कर होगा। सनम, सनम बेटा, सनम उठो बेटा। मुझे सुन दे, मेरा मूड नहीं। तुमसे मिलने के लिए बाहर कोई आया है, उठ जाओ आप। चलो शाबाश, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ, फटाफट बाहर आ जाओ। अब मैं समझी कि ये इतनी उदास क्यों थी इतने दिन से। नाराजगी थी ना तुम दोनों में? आंटी आप तो जानती हैं कितनी जिद्दी है आपकी लाडली, मैं तो मना मना के थक गई हूँ उसे। हाँ भाई, आजकल तो मेरी बात भी नहीं सुनती। आंटी आज वैलेंटाइन डे है तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी दोस्त को मनाया जाए। वैसे बेटा ये दिन हर उस रिलेशन के लिए होता है जिसमें प्यार और मोहब्बत हो, सिर्फ गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स ही सेलिब्रेट नहीं करते इस दिन को। ये लो, तुम्हारी नाराज दोस्त भी आ गए। अच्छा आप तुम लोग बैठो और बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लगवाती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे। सोचा तुम ऐसे तो मानोगी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स ले आई। I'm so sorry, Maria. सारी गलती सिर्फ मेरी है। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो सनम? तुम रो क्यों रही हो? मारिया कल रात दानिश की कॉल आई थी, मुझे कहा कि वो मुझे किसी से मिलवाना चाहता है। तुम्हें पता उसने कहा कि मैंने बहुत ड्रामा किया है ना, रियलिटी क्या होती है वो मुझे बताएगा। और उसने मुझे कहा कि बहुत बड़े ट्विस्ट के लिए तैयार हो जाओ। सनम तुम टेंशन नहीं लो, वहां जाके जरूर देखना कि आखिर वो कौन है। अरे मुझे लगता है कि मैं दानिश को हमेशा के लिए खो दिया। आप सब लोग पूरी दुनिया वैलेंटाइन से मना रही होगी और मैं हमेशा के लिए अपने प्यार से दूर चली जाऊंगी। सारी गलती मेरी है, ये सब कुछ से वो वजह से हुआ। प्लीज रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज रिलैक्स हो जाओ।